और अभी आप जीपीएस में जैसे देख रहे हो कि ये बिल्कुल मेरे राइट साइड में यानी रोड पार करके ही बता रहे हैं। तो मैंने कस्टमर को बोला सर आप यहाँ पे उतर के मेट्रो से डायरेक्ट चले जाइए तो आपका फेयर जो है वो कम आएगा, 20-22 रुपए आएगा। लेकिन वो कहने नहीं, जहाँ का लोकेशन है वहीं ले चलो। हाँ बिल्कुल कैमरा है और दोस्तों आज फर्स्ट टाइम बहुत दिनों बाद देखो पार्किंग से मेरे राइड आ गई है, मतलब कमरे में था और राइड आ गई है। सो अभी एक दो दिन मैंने चलाई नहीं थी एवेंजर, और पता ही है मौसम नोएडा दिल्ली का कैसा आंधी तूफान, पूरी बाइक जो है धूल मिट्टी हो गई है। तो जल्दी इसको वॉश कराते हैं एक दो दिन में, और चलो फटाफट हम चलते हैं कस्टमर को पिक करते हैं, कहाँ जाना है पूछते हैं। तो ये जो एरिया है और यहाँ पे अक्सर ऐसे भीड़ रहता है, पूरे लॉकडाउन में मैं जब भी इधर से गुजरता था, अभी थोड़ी देर में जैसे अभी 6:30 लगभग हो रहा है, तो जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ेगा वैसे ही यहाँ पे और ज़्यादा क्राउड हो जाएगा। तो कोरोना में पूरे दिल्ली में चाहे नोएडा में ट्रैफिक हो ना हो, क्राउड हो ना हो, लेकिन यहाँ पे रहते ही रहता था क्योंकि लोकल मार्केट है। इस वजह से होप सो 8 जून से सब कुछ खुल जाएगा, ठीक है 4-5 दिन रह गए, उसके बाद फिर हम आसानी से सब कुछ चला पाएंगे। सारे जो भी आप कमेंट करते हो ना सर यहाँ पे चल रहा है नहीं चल रहा है, तो देखो राइडर्स को चाहे वो डिलीवरी सर्विस हो या कैसे भी चला रहे हो, पुलिस वाले परेशान नहीं करते। तो ये गेट नंबर 2 है कैप टाउन का जहाँ मुझे जाना है अंदर। तो कस्टमर बोल रहे हैं सर आप फर्स्ट नहीं दूसरे नंबर के फर्स्ट वाले गेट नंबर से आइए, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि इसके 2 गेट है, और जो गेट नंबर 2 आपने पीछे वाला देखा, यहाँ से नॉर्मली राइडर्स को घुसने नहीं दिया जाता है, बट मेरा प्राइवेट नंबर है तो मुझे अक्सर कभी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो वैसे तो आप लोगों ने अक्सर ये एरिया देखा होगा मेरे राइड। कभी कभी तो जब कैप टाउन में एंट्री करते हैं तो सिक्योरिटी वाले लिखवाते हैं कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो, बट अक्सर जो मेरे साथ होता है वो कभी भी मुझे नहीं पूछते कि कहाँ जा रहे हो नहीं जा रहे हो, क्योंकि मेरा प्राइवेट नंबर है होप सो इस वजह से। तो आप लोगों में से कितने लोगों से पूछा गया ये चीज़ कमेंट करना है, और कितने लोग नोएडा या दिल्ली से इस सोसाइटी में आए हो पिक या ड्रॉप करने जरूर बताना। तो अभी क्या है ना दोस्तों मेरा माइक थोड़ा डिस्टर्बेंस दे रहा था इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, तो जल्दी ही खरीद लूँगा मैं न्यू इसका माइक अडेप्टर, उसके बाद आप लोगों को फिर नेचुरल वॉइस मिलेगी। हालांकि ये भी नेचुरल है, बस कस्टमर से जो बातचीत होती है उनकी वॉइस हल्की उस राइड में आ जाती है बट इस पर नहीं आती है, ये बहुत दिक्कत है। इस राइड में दोस्तों जो डिस्टेंस है कस्टमर को जाना है वो लगभग 2.5 किलोमीटर है, और अगर चाहें तो सोसाइटी के बाहर से पैदल भी जाया जा सकता था, ठीक है, बस इसके अंदर ही घूमना क्योंकि काफ़ी बड़ी सोसाइटी है तो इसलिए दिक्कत है। और अदरवाइज अगर आप बाहर से जाना चाहें तो पैदल भी जा सकता है इंसान, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा, तो इसका जो फेयर बनता है वो करीब 12-14 रुपये होगा मुश्किल। आज जो मैं राइड करने वाला हूँ अब शुरू किया मैंने 6 बजे से और लगभग 12-1 बजे तक चला हूँ, और देखते हैं क्या कुछ होगा, कितना मज़ा आने वाला है। क्योंकि दिल्ली में बोल रहे हैं लोग कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि रोकते हैं, बट मैं 1-2 दिन गया हूँ गुड़गांव तक पर मुझे कोई भी नहीं रोका है। रोकते भी है तो सिर्फ पूछते हैं कहाँ जा रहे हो क्या है, उसके बाद आपको जाने दिया जाता है। तो ये देखो लगभग 2 किलोमीटर मुझे उस गेट से घुस के इस गेट से निकलने में ही हो गया, तो इसलिए जितने भी सोसाइटी के लोग होते हैं चाहते हैं कि भाई उनके टावर तक बंदा आए, टावर से उसको पिक करे, पिक करने के बाद जहाँ तक ड्रॉप करना है वहाँ तक ड्रॉप करे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इन सोसाइटी में।
ठीक है, बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक एक घंटा हम लोगों को घूमना पड़ जाता है, और ढूंढते ढूंढते भी लास्ट में होता है कि सर मिल नहीं रहा है, तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछो, कभी किसी से पूछो, कभी किसी से पूछो, ऐसा होता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आपके संग ऐसा कभी हुआ है क्या। और अभी आप GPS में जैसे देख रहे हो कि ये बिल्कुल मेरे राइट साइड में यानी रोड पार करके ही बता रहे, तो मैंने कस्टमर को बोला सर आप यहाँ पे उतर के मेट्रो से डायरेक्ट चले जाइए तो आपका फेयर जो है वो कम आएगा, 20-22 रुपए आएगा। लेकिन वो कहने नहीं, जहाँ का लोकेशन है वहीं ले चलो। मैं ठीक है चलो सर ले चलता हूँ। तो आगे से 1 किलोमीटर के बाद से ये यूटर्न है, आप लोगों को पता होगा अगर आप इधर आते हैं, 76 का मेट्रो स्टेशन है। तो मैं कस्टमर को सीधा उधर ले जाके, क्योंकि भाई बोल रहे हैं अगर मैं बोलूंगा कि सर जाओ जाओ बार बार तो सोचेगा यार अजीब राइडर है, मेरी कहना नहीं मान रहा है और अपनी चला रहा है, तो इसलिए मैंने इनको सीधा ले गया उधर और वहीं पे ड्रॉप किया। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। आप लोगों संग क्या ऐसा कभी कुछ होता है जो मेरे साथ राइड पे होता है तो जरूर कमेंट कर दिया करो, मजा आता है कि हाँ आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो मेरे संग कल रात को एक राइड में इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही अजीब वो गरीब कस्टमर बिना पैसा दिए भाग गया है, वो वाला वीडियो मैं आपको कल या परसों में दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। ठीक है, तो मैं साइड में लगाया बाइक को और कस्टमर का जो भी बिल बना इसमें वो 50 रुपये हुआ नेट। ठीक है, तो इसमें लगभग 32 रुपीज मुझे मिले, कुछ 12-14 रुपए जो है प्लेटफॉर्म चार्जेस लग के कस्टम ओला को देना पड़ा। फिर उसके बाद यहाँ से मैं चला सीधे, धीरे धीरे चलता गया और 12-22 तक पहुँच गया, कोई राइड नहीं आई थी। और अचानक से मुझे एक बच्ची आई और वो कुछ मतलब मांग रही थी, तो ये देखो ये क्या है, आपको क्या लग रहा है? आपने मांगा तो नहीं, मांगा तो नहीं, कहाँ मांगा, ये लो। हाँ फोन भी है ना इसमें, आपने मांगा नहीं। लेकिन क्या नाम है आपका, क्या नाम है? रोशन। चलो बाय।